In this video lecture of microprocessor 8085, I am going to discuss one question of last year paper. Year is session is 2020-21 and question is illustrate the following instruction of 8085 along with the suitable diagram. And these are the instruction. तो मैं one by one all instruction को discuss करूँगी with the help of diagram और with the help of explanation. तो हैं first is add and इसके साथ है ADI. These are two instruction. First is add. इसका means क्या हुआ? Add register to accumulator. ठीक, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. मैंने लिखा एड बी, ठीक है. एंड इन दिस केस लेट कि इन दिस केस क्या होगा, कंटेंट ऑफ ए विल बी एडेड विद द कंटेंट ऑफ बी एंड जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेव इन एक्यूमुलेटर. ठीक है. नाउ सपोज कि दिस इज अवर जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है. ए B, F and C. A, B, C is the register and F is the flag register. Let values क्या होगी? Suppose मैंने यहाँ लिया 20 and this is 37, ठीक है. Now flags की values तो initially होंगी नहीं. If instruction ये execute होता है तो ये क्या perform करेगा? 20 content of accumulator 20H which can be written as 00100000 and 37H. ये कैसे लिखेंगे हम? 00110111. नाउ एड दीज नंबर्स 1 1 1 0 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी तो 1 and 0, ठीक है. तो नाउ दिस इज द कंटेंट. ये कंटेंट वैल्यू क्या हो गई? ये 5 and 7H. ये क्या होगी? न्यू वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर. नाउ व्हाट इज द फ्लैग? इससे फ्लैग भी अफेक्टेड होंगे. तो फ्लैग्स हमारे क्या होंगे? फ्लैग्स सबसे पहले साइन फ्लैग. साइन फ्लैग विल बी 0 बिकॉज D7 की वैल्यू क्या है? 0. देयर इज नो कैरी तो CY विल बी 0. नाउ AC यहाँ से कोई कैरी यहाँ ट्रांसफर नहीं हुई, दैट्स वाई इट विल बी 0. एंड Z फ्लैग विल बी 0 बिकॉज 4 1 है. नाउ पैरिटी फ्लैग 1 2 3 4 5 5 1s आर देयर मीन्स की ऑड नंबर. पैरिटी फ्लैग क्या होगा? 0, ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन हमारे? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की न्यू वैल्यू होगी 57H एंड बी की वैल्यू क्या होगी? जो प्रीवियस वैल्यू थी मीन्स की 37H एंड सी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंड फ्लैग की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दिस इज सी. फ्लैग की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? सबसे पहले साइन, देन जेड, आफ्टर दैट होता है हमारी ऑक्सिलरी कैरी, देन पैरिटी, देन CY. तो नाउ व्हाट इज द वैल्यूज? 0 0 0 0 0. All flag was 0. तो this is the description of add. Now अब हम करते हैं for ADI, ठीक है. मैं ADI भी इसी एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन दैट केस व्हाट इज ADI, ठीक है. फुल फॉर्म क्या होगा? ADI. ADI का मीन्स हुआ एड इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर, ठीक है. नाउ सपोज इन दिस केस हमारे पास कोई बी रजिस्टर नहीं होगा. ये इंस्ट्रक्शन हमें कैसे लिखनी होगी? ADI 37H. अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या एग्जीक्यूशन होगा? कंटेंट ऑफ ए के साथ ऐड होगा 37 एंड जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, ठीक. सपोज ए की वैल्यू 20 है, बी में कुछ नहीं, बी को हमें इग्नोर करना है, डोंट केयर, एफ को डोंट केयर, सी को डोंट केयर, ठीक. नाउ अब हम ऐड करेंगे तो दिस इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड दिस इज द इमीडिएट डेटा. जो हमारा समेशन आया ये आया. नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द वैल्यू? बी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा मीन्स कि इट विल बी डोंट केयर. जो रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर होगा? इन 57 एंड फ्लैग्स की वैल्यूज ये होंगी. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर ADI. जो मैंने पहले किया था दैट वाज फॉर एड, मैंने उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया एंड नाउ दिस इज फॉर ADI 37H बिकॉज इन बोथ केसेस हमारा एडिशन ही परफॉर्म होना था. नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज ANA. देन हम डिस्कस करेंगे ANI. ANA का मीन्स है लॉजिकल एंड विथ एक्यूमुलेटर, ठीक है. लेट हमने लिखा ANAB, ठीक है. एंड कंटेंट ऑफ A एंड B सपोज दिस इज अवर फ्लैग, दिस इज सी, क्रॉस होगा। यहाँ पर हमारा ए है एंड यहाँ हमारा बी है। लेट ए इज इक्वल टू 20H। प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 37H। नाउ अब ये परफॉर्म कैसे करेगा, डायग्राम से हमें शो करना है। मीन्स लेट दिस इज अवर एक्यूमुलेटर, ठीक है, ये हमारा एक्यूमुलेटर है। ये बेसिकली क्या करता है, कंटेंट ऑफ ए के साथ एंड परफॉर्म करता है किसका, कंटेंट ऑफ बी का, एंड जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है इन ए, ठीक है। तो नाउ अब हम अगर डायग्राम से शो करेंगे, दिस इज अवर एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये हमारा 8 बिट का, ठीक, एंड दिस इज अवर रजिस्टर बी, दिस इज ऑल्सो 8 बिट, ठीक। नाउ जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, इन एक्यूमुलेटर। This is for result, ठीक है। Now what is the values? A की वैल्यू है 20, मीन्स की जब हम 20H लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 0 0 0 0 एंड 37H कंटेंट ऑफ B है, दैट इज 0 0 1 1 0 1 1 1। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा, बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन होगा। 8 बिट से मीन्स की 8 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड। आउटपुट ऑफ ईच एंड गेट कहाँ से कनेक्टेड होगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट इनपुट क्या होगा, एक्यूमुलेटर, सेकेंड इनपुट रजिस्टर बी, ठीक है। तो 0 एंड 1 का एंड क्या होगा, 0, दिस इज एक्यूमुलेटर। इन दिस केस फर्स्ट बिट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, सेकेंड फ्रॉम बी। 0 एंड 1, व्हाट इज द आउटपुट, 0। नाउ इन दिस केस फर्स्ट बिट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, सेकेंड फ्रॉम बी, 0 एंड 1, तो आउटपुट विल बी 0। नाउ इन दिस केस 0 0, क्या आएगा, 0। नाउ इन दिस केस 1 एंड 0, इट विल बी 0। नाउ इन दिस केस फ्रॉम बी 1 आएगा, ए से भी 1 आएगा, मीन्स की 1। नाउ इन दिस केस 0 एंड यहाँ से क्या आएगा, 0 0, तो 0, यहाँ से क्या आएगा 0 एंड यहाँ से क्या आएगा 0। तो दिस इज द न्यू कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विच इज इक्वल टू 20H, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स, तो हम कैसे शो करेंगे, ये रजिस्टर बी, रजिस्टर ए। रजिस्टर ए की वैल्यू अपडेट हो गई, वो क्या है 20H ही रही, अपडेट हुई बट 20H ही आया। यहाँ पर क्या होगा 37H, ठीक है, ठीक। नाउ व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ फ्लैग, फ्लैग में यहाँ क्या होगा, साइन, जेड, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी, ठीक है। नाउ इन दिस केस ए सी क्या रहती है, 0, एंड एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, तो 0, जेड की वैल्यू 1 इज अवेलेबल, मीन्स कि इट विल बी 0, ए सी की वैल्यू 0 ही होती है, तो 0, सिंगल 1 मीन्स की ऑड है, तो पी विल बी 0, देयर इज नो कैरी, तो सी वाई विल बी 0, एंड यहाँ क्या होगा, डोंट केयर। तो दिस इज फॉर ANA। नाउ अगर हमें ANI करना हो तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन करूंगी, ठीक है, हम नंबर भी चेंज कर देते हैं। सपोज हमें लिखना है ANI, ठीक है। तो सबसे पहले तो ANI का मीन्स क्या हुआ, एंड इमीडिएट डेटा विथ एक्यूमुलेटर, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, ANI 57H, ठीक है, 57H का एग्जांपल लिया हमने, और एक्यूमुलेटर में हम 20 ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ B की वैल्यू क्या हो जाएगी, डोंट केयर, ठीक है, यहाँ हम आउटपुट बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द अवर कैलकुलेशन, ठीक है। बी की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, मीन्स डोंट केयर। नाउ ए में मैंने वही रहने दिया, यहाँ पर दिस इज नॉट अवर रजिस्टर बी, दिस इज अवर इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा क्या है, 5 है, मीन्स की इट विल बी 1 0 1 एंड 7H, ठीक है, 5 7। नाउ 0 एंड 1 से 0 0 1 से 0 0 1 से 0 0 0 से 0 0 1 से 0 1 0 से इट विल बी 0 एंड 01 से 0, 00 से 0. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट, यहाँ क्या आया 0. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द एक्यूमुलेटर वैल्यू 00. नाउ व्हाट इज द साइन फ्लैग, साइन फ्लैग इज 0. ऑल बिट्स आर 0 दैट्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी 1, AC की वैल्यू क्या होगी 0, देयर इज नो 1, P इज 1, CY इज 0. तो दिस इज द न्यू वैल्यूज ऑफ रजिस्टर एंड दिस इज द डायग्राम फॉर ANI. ठीक है, तो 2 इंस्ट्रक्शन इज क्लियर. नाउ अब हम देखते हैं RLC. थर्ड वन इज RLC. इन दिस केस रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है, विदाउट कैरी फ्लैग होगा. जब सिर्फ लेफ्ट है मीन्स विदाउट कैरी फ्लैग है. नाउ अब हम अज्यूम करते हैं कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज 57H. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू 57H है. दिस इज अवर एक्यूमुलेटर. ठीक है, एंड अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम करते हैं कि CY इज इक्वल टू रीसेट मीन्स की 0. ठीक है, ये हमारा 0 कंडीशन पे है. ठीक, ना यहाँ पे हम ले लेते हैं 97H. ठीक है, ताकि इफेक्ट दिखे. 97 दिस इज अवर एक्यूमुलेटर. ये हमारी D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 है. ठीक, तो इन RLC जो D7 होगी इट बिकम्स कैरी बिट एज वेल एज इट बिकम्स LSB बिट. ठीक है, ये रोटेशन होगा. नाउ वैल्यूज पुट करते हैं. 97 मीन्स 1 0 0 1 0 1 1 1. ठीक, नाउ अगर हमारा RLC एग्जीक्यूट होता है तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, ये 1 कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, मीन्स की CY की जो न्यू वैल्यू होगी दैट इज 1. एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये बिट हमारी कहाँ आएगी यहाँ पर, मीन्स की 1. तो ये बिट हमारी कहाँ शिफ्ट होगी यहाँ. This bit shifted here, this bit here, this bit shifted here, this bit and this bit and this bit, and this is the new content of accumulator after RLC. ठीक, now अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल that is RAL. This RAL means R for rotation, A for accumulator in left. Again इसमें rotation left होगा but through carry flag होगा, means कि this is rotate accumulator left through carry flag. ठीक है, नाउ अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दिस इज अवर accumulator, सपोज दिस इज अवर accumulator 8-bit accumulator एंड ये है हमारी कैरी. ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ कि दिस इज CY LSB बिट D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7. इन दिस रोटेशन कैसे होगा, D7 बिकम्स कैरी बिट एंड कैरी बिट बिकम्स LSB बिट. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यूज, A की वैल्यू हमने यही ली है मीन्स की 1 0 0 1 एंड 7 क्या होगा 0 1 1 1. ठीक, कैरी की हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली 0. नाउ आफ्टर RAL व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये 1 कहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 हमारा जाएगा देन दिस कैरी एंड दिस 0 विल बी शिफ्टेड हियर. तो नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर ठीक, कैरी फ्लैग की 0, then ये 3 1 1 1 1, then 0, then 1 0 0 and CY की वैल्यू क्या हो गई, CY न्यू वैल्यू इज 1. तो दिस इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर RAL. नाउ देखते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज XTHL. इंस्ट्रक्शन इज XTHL. HL मीन्स एक्सचेंज H and L with टॉप ऑफ स्टैक. ठीक है, मीन्स कि जो टॉप ऑफ स्टैक पे कंटेंट होगा वो चेंज हो जाएगा विद द कंटेंट ऑफ HL. नाउ अब हम इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दिस इज अवर HL एंड दिस इज SP. ठीक, एच की वैल्यू सपोज मैंने ली 20 एंड एल की वैल्यू ली मैंने 55 एंड एस पी की वैल्यू है 2050. ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट होंगे. नाउ 2050 इज द स्टैक पॉइंटर, मीन स्टैक का जो टॉप होगा, दिस इज अवर स्टैक, ये है हमारा स्टैक, मीन्स की अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस. ठीक, नाउ इसका जो टॉप एड्रेस होगा वो क्या होगा, 2050. ठीक, उसके जस्ट जो पहले की लोकेशन 2051, क्योंकि एसपी हमारा जब भी हम डेटा को पुश करते हैं तो माइनस होता है, मींस कि इसके पहले का डेटा क्या होगा, वो प्लस में रहा होगा. नाउ अज्यूम कि यहाँ पर कंटेंट है 2A3F. ठीक है, नाउ अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द कंटेंट, न्यू कंटेंट क्या होंगे, सेम, चेक करते हैं. यहाँ है H L S P. नाउ ये हमारे कंटेंट है इनिशियली. अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होगा, HL का कंटेंट एक्सचेंज हो जाएगा विद द टॉप ऑफ स्टैक. ठीक है, तो नाउ हमेशा याद रखना है कि हायर लोकेशन डेटा इन हायर रजिस्टर, मीन्स कि 2051 का डेटा कहाँ आएगा, इन H एंड दैट इज 3F, तो यहाँ होगा 3F एंड 2A लोअर में. ठीक है, एंड जो 55 था ये कहाँ जाएगा, लोअर एड्रेस पे, मीन्स कि यहाँ, और H का जो कंटेंट होगा वो जाएगा हायर एड्रेस पे, एंड देयर इज नो चेंज इन SP वैल्यू, इट विल बी 2050. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल इंस्ट्रक्शन. थैंक यू सो मच.